ये प्रचारक की साधना होती है, उसका साध्य भी होता है। हम जब भी कभी कदम उठाते हैं तो कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन एक प्रेमी के हृदय का भाव क्या होता है? वो स्वामी राम की वाणी से व्यक्त होता है कि इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तूने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तूने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊं। जो बोझ ढोके मुआवजा चाहता है वो समर्पित नहीं होता, वो मजदूर होता है। जिसने यश चाहा, जिसने प्रतिष्ठा चाही, जिसने लोक मान्यता चाही, उसका समर्पण अधूरा होता है। लेकिन मां भारती को अखंडता के सिंहासन पर विराजमान करने का स्वप्न साकार करने के लिए अपने को होम करने वाला प्रचारक चाहता है क्या कुछ? लेकिन जो मिलता है वो तो अनिर्वचनीय है, उसको तो वाणी से व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, वो तो हृदयों का अनुभूत विषय है कि चारों तरफ से भगवत्ता उस पर बरसती है। जो अपने लिए नहीं चलता अपनों के लिए कदम बढ़ाता है, जो कभी दुख को दुख नहीं मानता, जो सुख की चाह में धूल नहीं छानता, औरों के लिए जिसको विष पीना भी स्वीकार हो जाता है, वह प्रचारक अभिनंदनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, प्रातः स्मरणीय है। रात दिन अहिरनिश मां भारती के चरणों में अपने आप को तपाना गलाना। किस समय डॉक्टर साहब ने सपना लिया था? सारे देश के अंदर आग लगी थी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, एक वातावरण बना था, बलिदानों की गंगा मानो बह गई थी भारत के अंदर, विदेशियों की चूले हिलने लगी, बस एक प्रहार और बाकी था कि सारे सपने साकार हो जाते। लेकिन उसी समय विधर्मी ने, उसी समय देश के शत्रु ने देश के अंदर सांप्रदायिकता का विष बोया, वैमनस्यता के भावों को पैदा किया, छुआछूत की प्रबल भावनाएं देश के अंदर जागी, और वह सारी शक्तियां जो संगठित होकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अवध दिखाई देती थी वो बिखरना प्रारंभ हो गई। ऐसे ही समय में जब वैमनस्यता सिर चढ़कर बोल रही थी, जब कट्टरता नंगा नर्तन कर रही थी, उस समय डॉक्टर हेडगेवार चार स्वयं सेवकों को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संस्थापना करते, जब अपने ही कुएं पे पानी लेने आते थे और अपना ही भाई दुत्कार कर भगा देता था कि तू अछूत है, मेरे कुएं का पानी पिएगा तो सब अपवित्र हो जाएगा, और वो प्यास से तड़पते हुए अपने ही भाई को देखना, लेकिन निष्ठुरता का लबादा ओढ़े रहना, वो तिल तिल करके मरने वाले प्यासे को देखकर उस पीड़ा में से, उस वेदना में से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। लोग कहते हैं प्रेरणा, प्रेरणा नहीं अपितु वेदना में से संघ का जन्म हुआ। मां भारती को वैभव के पद पर ले जाना है, अखंडता के सिंहासन पर विराजमान करना है, तो एक ही मार्ग है, और वो कौन सा मार्ग? क्या हिंदू जाति जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, वो हिंदू जाति जिसने सागर की छाती पर पत्थरों को तैराया, इतना गौरव रखने वाली हिंदू जाति उसका स्वाभिमान धुआं बनकर उड़ेगा? ये वेदना में से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जन्म हुआ। प्रचारकों ने अनवरत अपने जीवन को आहूत किया। एक प्रश्न पैदा हुआ कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा,
जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृणवंतो विश्वमारियम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य सौ सौ पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना तन दे दधीची ने की, राघव ने बन बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, ओ शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा, इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। इस वेदना में से, इस पीड़ा में से माँ भारती के लुटते स्वाभिमान और बिखरती अस्मिता की वेदना में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रादुर्भाव हुआ। फिर एक एक दीपक जले, तिल तिल करके अपने आप को माँ भारती के चरणों में आहूत करते रहे।